हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो आप ट्रिक के साथ बताएंगे, जो आप जल्दी याद कर लीजिएगा। अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका आने वाला जितना एग्जाम है आपका जरूर क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, तो जल्दी से आप ट्रिक के साथ याद कर लीजिए। एस ब्लॉक और हेलोजन नोबल गैसेस, ये हम आज आपको बताएंगे। देखिए ये है आपका टोटल पीरियडिक टेबल, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, ठीक है, एस पी डी एफ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका एस ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। एस ब्लॉक में आपका ग्रुप वन और ग्रुप टू, दो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। एस ब्लॉक में जो है, ग्रुप वन में जो है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। और ग्रुप टू में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये आपको बता तो दिए, लेकिन ये याद रखने का तरीका भी है, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। तो देख लीजिए एस ब्लॉक का ग्रुप वन है, इसको आप कैसे याद रखिएगा। देखिए एस ब्लॉक में ग्रुप वन में है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंसियम, ठीक है, जो कि एल्कली मेटल्स है, ठीक है। ये सात एलिमेंट जो है ये आपका एल्कली मेटल्स है, इसका याद कैसे रखिएगा। देखिए ये आपका याद करने के लिए एक पिक इसमें हम दिए हैं, देखिए इसका नाम है हेलिना, ठीक है, इसका नाम हेलिना है। तो ये क्या कर रही है आपको देख के आपको पता चल रहा है, ये कुछ प्रे कर रही है, ठीक है। तो हेलिना करो रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना रब से क्या कर रही है, फरियाद कर रही है। तो हेलिना से आपको याद रह जाएगा, देखिए H है आपका हाइड्रोजन, Li से लिथियम, N है सोडियम, ठीक है। हेलिना करो, इसमें से K को लिए हैं, K है पोटासियम, और रब Rb रुबिडियम, से CS सेजियम, और फरियत से एफर लिए हैं जो कि है फ्रेंसियम, ठीक है। तो आप ग्रुप वन का एलिमेंट एस ब्लॉक का आपका याद करने का तरीका है हेलिना करो रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंसियम। देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का 3 और सोडियम जो है इसका 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सेजियम का 55 और फ्रेंसियम का 87, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको रख लीजिए 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एस ब्लॉक का ग्रुप 2 जो है वो है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, वो था एल्किल मेटल और ये है अल्कलाइन मेटल। तो इसमें आपका 6 एलिमेंट है, देखिए इसमें है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इसका देखिए कैसे याद रखेंगे, इसका याद रखने का ट्रिक बहुत इजी है। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेटा क्या मांग रहे हैं, कार स्कूटर मांग रहे हैं, ठीक है, तो बाप राजी हो गए उसको देने के लिए। तो चेहरा देखिए कैसे हंस रहा है। तो देखिए बेटा से अब क्या लिए हम, बेटा से बीई, ठीक है, बेरिलियम, मांगे से एमजी लिए हैं, मैग्नीशियम, कार से सीए, कैल्शियम और एसर जो है स्कूटर, स्कूटर से लिए है एसर स्ट्रोंटियम, और बाप से लिए बी ए बेरियम, और राजी से आर ए, ठीक है, रेडियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आप खाली ट्रिक याद कर लीजिए तो जल्दी से आपको दिमाग में आ जाएगा क्या होगा, एलिमेंट क्या है। अभी बहुत पूछा जा रहा है कौन सा ग्रुप एलिमेंट दिया जा रहा है, कौन सा ग्रुप में है, कौन सा ब्लॉक में है, तो आप जल्दी से देख लीजिए। तो ग्रुप टू में हम क्या बताएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
इसका एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्टियम 38, बेरियम 56, रेडियम 88, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एक चीज हम बोल सकते हैं कि ग्रुप वन और ग्रुप टू जो है, ग्रुप वन का है आपका सारा ऑड नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है ऑड नंबर है, 3, 11 सब ऑड नंबर है, और एटॉमिक नंबर ग्रुप टू का जो है वो आपका सारा इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं, जरूरी नहीं है तभी दे जान लीजिए। ये आपका क्या होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो मेटालिक करेक्टर होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और बेसिक ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्साइड्स होता है, आयनिक बॉन्ड विथ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर्स, वीक टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में वीक टेंडेंसी। नेक्स्ट देखिए हैलोजन, हैलोजन कौन सा ग्रुप में बिलोंग करते हैं, 17, ग्रुप 17 में हैलोजन है, हैलोजन गैस है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये नॉर्मल फ्लोरिन FL जो है फ्लोरिन, CL क्लोरिन, BR ब्रोमिन, I है आयोडीन, और AT है एस्टेनिन। तो इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, ये हम लोग का आंटी जी है, ये आंटी को देखिए आप समझ गए, आंटी का चेहरा देख के आप समझ गए फूल खेल रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिक है इसका, फूल खेले बाहर आ गए आंटी, फूल खेले बाहर आ गए आंटी, देखिए देख के आपको याद आ जाएगा, फूल से हम लिए FL, ठीक है, फ्लोरिन, खेले से CL क्लोरिन, और बाहर से BR लिए ब्रोमिन, और आई आगे से आई आयोडीन, और आंटी से AT एस्टेनिन, ठीक है, तो हैलोजन्स जो है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन एस्टेनिन। एस्टेन जो है इसका एटॉमिक नंबर 85, आयोडीन 53, ब्रोमिन 35, क्लोरिन 17 और फ्लोरिन 9, ठीक है, ये आपका हैलोजन गैसेस का एटॉमिक नंबर। अब देखिए नोबल गैस, नोबल गैस है, नोबल गैस जो है इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 18, ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं, कौन सा है, हीलियम HE, नियॉन NE, आर्गन AR, क्रिप्टन KR, ज़ेनन XE और RN। तो देखिए इसका ट्रिक है याद रखने का, हीरा नीला और कोहिनूर, ये तीनों हम देखिए स्टोन दिए हैं, हीरा डायमंड, नीला और कोहिनूर तीन दिए हैं, जैसा रतन, ये तीनों जैसा रतन और कुछ नहीं है, ठीक है, तो एकदम दिमाग में अब जान लीजिए सबसे अच्छा रतन क्या है, हीरा नीला कोहिनूर, ठीक है, हीरा नीला और कोहिनूर जैसा रतन। तो इसका हीरा से लिए HE जो कि हीलियम है, नीला से NE, और से लिए AR आर्गन, कोहिनूर से KR क्रिप्टन, और जैसा XE जो है ज़ेनन है ना, तो जैसा से ज़ेनन, ठीक है, और रतन से लिए RN, ठीक, जो कि रेडन है। देखिए रेडन का एटॉमिक नंबर है 86, ज़ेनन का 54, क्रिप्टन का 36, आर्गन का 18, नियॉन का 10 और हीलियम का 2, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पीरियडिक टेबल का और जितना है हम आप लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।